अगली खबर फिर से चरखी दादरी से, जहां इंसान में अगर जज्बा और हौसला बुलंद हो तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है, चाहे उम्र कुछ भी हो। इस बात को चरखी दादरी के गांव कमोद निवासी 72 वर्षीय रामफल ने साबित कर दिखाया है। जी हां, यहां रामफल की फिटनेस देख युवाओं का भी पसीना छूटा है, जिन्होंने पिछले दिनों मैराथन दौड़ में रिकॉर्ड समय में पार करते हुए गोल्ड जीतकर साबित कर दिखाया है कि ढलती उम्र भी उनके प्रतिभा को नहीं रोक पाई। जी हां, सेवानिवृत्ति के बाद भी दादरी के धावक रामफल खेल जगत से जुड़े रहे और अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदकों का ढेर लगा लिया है। वहीं रामफल ने सेवानिवृत्त होने के बाद से अब तक 33 मेडल जीते हैं, जिनमें 20 गोल्ड मेडल शामिल हैं। दादरी के गांव कमोद निवासी रामफल 72 की उम्र पार करने के बाद भी ऐसे दौड़ते हैं कि जवान भी उनको देखकर हैरान रह जाते हैं। जी हर रोज घर के कार्य करते, खेतों के कच्चे रास्तों में सुबह शाम 8 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। पिछले दिनों मानेसर में हुई मैराथन दौड़ में रामफल ने रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया है। इसके अलावा छोटी दौड़ प्रतियोगिता में भी रामफल ने कई पुरस्कार हासिल किए। पहले भी दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड हाफ मैराथन दौड़ में वृद्ध धावक रामफल ने 17 देशों के 50,000 धावकों की मौजूदगी में रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल जीता था। जी हां, जिस पर पूर्व जनरल और पूर्व गवर्नर जेजे सिंह भावलपुर पंजाब के रामफल को सम्मानित किया गया था। ओल्ड बॉय के नाम से प्रसिद्ध रामफल अब तक राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर 33 मेडल जीत चुके हैं, जिनमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर सहित 20 गोल्ड मेडल हैं। रामफल ने नौकरी से सेवानिवृत्ति लेने के बाद 65 वर्ष की उम्र से इसकी शुरुआत की। रामफल बताते हैं कि वो सुबह 4 बजे उठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जिसमें वो लगाकर दौड़ और पैदल चलने का अभ्यास भी करते हैं। रामफल के नक्शे कदम पर उसकी 6 वर्षीय पोती भव्या भी चल रही है। दूसरी कक्षा में भव्या ने अपने दादा के साथ प्रैक्टिस करते हुए स्कूल स्तर पर गोल्ड जीता है। जी हाँ, वही रामफल की पुत्र वधु सुमन कहती है कि 72 साल के उसके ससुर उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, जो उम्र का बहाना बनाकर अपनी परेशानियों से हार मान लेते हैं। इन्होंने दिखा दिया कि अगर आपके अंदर किसी काम को करने का जुनून है तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। 24 नवंबर 2019 को IMT हाफ मैराथन मानेसर में करी है मैंने, उसमें मैंने गोल्ड जीता है और पहले भी मैं 32 मेडल और जीत चुका हूं, जिनमें 20 मेरे गोल्ड मेडल हैं, टोटल 33 हो गए हैं। और अब 19 जनवरी को इंडिया की सबसे बड़ी मैराथन फुल मैराथन बॉम्बे में होने जा रही है, मेरे प्रयास वहाँ से गोल्ड जीतने का है, जो 65+ है का गेम होगा, 65+ से सारे दौड़ेंगे। अगर सरकार जिम वगैरह खोले बूढ़ों के लिए, प्रैक्टिस हमारे करा दे, तो हम भारत से बाहर भी खेल सकते हैं और भारत के झोली में गोल्ड मेडल ला सकते हैं, क्योंकि बुज़ुर्गों के पास इतना खर्चा नहीं है कि वो बाहर अपने खर्चे से जा सकें और अपनी प्रैक्टिस कर सकें। और सरकार इनको और ध्यान दे देगी तो और भी मेडल इंडिया के बढ़ जाएंगे और बुज़ुर्ग स्वस्थ रहेंगे और हमें देख कर और भी बुज़ुर्ग खेलने का प्रयास करेंगे और अच्छी अपनी सेहत बरकरार रखेंगे। अब तक 20 गोल्ड मेडल हो चुके हैं, टोटल मेरे 33 हो गए हैं, जिनमें राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय 21 किलोमीटर हैं और 2 10-10 किलोमीटर हैं। और दिल्ली 21 अक्टूबर 2018 ने मैंने 70+ में करी थी, वहाँ का मैंने रिकॉर्ड बनाया था इंडिया का, 49 मिनट 16 सेकंड में पूरी कर दी थी 10 किलोमीटर, तो मेरा रिकॉर्ड है। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज, राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।